भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने वो काम किया है जो पवन और निरहुआ नहीं कर पाए। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि वो काम कौन सा है। तो इससे पहले आप हमारा ये स्टेज शो देखिए, जहाँ पे खेसारी लाल यादव काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे के साथ डांस कर रहे हैं। अब आप ये बोलेंगे कि इसमें क्या खास है। इसमें खास ये है भाई, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती। इन दोनों में 36 का नहीं बल्कि 72 का आंकड़ा है। अब आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो हम आपको एक रिसेंट उदाहरण देते हैं। आपको तो याद ही होगा दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी की एक फिल्म अनाउंस हुई थी जिसका नाम था लल्लू की लैला। अब आपको हम यहाँ ये बता दे कि लल्लू की लैला में पहले काजल राघवानी भी लीड रोल में थी, लेकिन आम्रपाली की चली और काजल राघवानी का उस फिल्म से पत्ता साफ हो गया और अब काजल राघवानी की जगह कोई नई एक्ट्रेस ने ले ली है और फिल्म में आम्रपाली दुबे और निरहुआ बदस्तूर लीड रोल में जारी हैं। फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग खत्म हो चुकी है और सेकंड शेड्यूल की शूटिंग अगले साल शुरू हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे में एक पल की नहीं बनती है, लेकिन वो काम जो निरहुआ नहीं कर पाए आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी को एक साथ लाने की, वो काम जो पवन सिंह नहीं कर पाए काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे को एक साथ लाने की, वो काम खेसारी लाल यादव ने चंद मिनटों में कर दिया और वो भी एक ही स्टेज शो पर। वैसे आजकल खेसारी लाल यादव का ये स्टेज शो बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इस स्टेज शो में खेसारी लाल यादव ने जम के ठुमके लगाए हैं आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के साथ। यकीन है आपको हमारी ये स्टोरी जरूर पसंद आई। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।